आप किसको देख रही हैं? सिद्धार्थ, शहनाज, माहिरा। सिद्धार्थ, शहनाज, रश्मि। ओके, आपके अभी पेट्स भी हैं, सो इनके बारे में बताइए कि ये आपके घर पे आ जा। फ्लडी फ्लडू आ जा, कम इन डिज्नी, आ जा। चीज़ कम इन, कम इन। हु वांट्स स्वीट? आ जा, आ जा, कम इन। सो इसका नाम है फ्लडी, ही इज 5 इयर्स ओल्ड। अभी 30 दिसंबर को इसका बर्थडे गया। ये बहुत मैनरफुल है, बहुत डिसेंट है, बहुत लवेबल है। ये यू समझ लीजिए आधा इंसान ही है। एंड ये है डिज्नी, ये उसकी अपोजिट है। डिज्नी आ जाओ, ये हमारी बात ही नहीं मानती है। ये टेबल के नीचे सीटी हुई है। कम, वो बहुत शरारती है, बिल्कुल मैनरफुल नहीं है, बट जैसी भी है बहुत प्यारी है, बहुत शरारती। देखो इसके इसके चेहरे पे शरारत दिखाई दे रही है। सो ये दोनों हमारे लिए ब्लेसिंग है। दे लाइक आवर फैमिली मेंबर्स, जहाँ भी हम जाते हैं हमारे साथ ही जाते हैं वो। किसी का दे देखिए। ओके, एंड लास्टली आप दोनों अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कुछ बोलना चाहोगे? हम अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को यही बोलना चाहते हैं कि ऑन स्क्रीन आपने पूनम को, पूनम के शो में मुझे अपने शो में बखूबी एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार दिया। इसी तरह प्यार देते रहिएगा। एंड ऑफ स्क्रीन मीडिया के थ्रू जब भी यू नो आपसे मुलाकात होती है, तब भी आप हमें बहुत पसंद करते हैं, हमें क्यूट समझते हैं। सो थैंक यू। हम हैं जस्ट बिकॉज आप लोग हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं है। सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कम हियर। बाय। Thank you. Thank you. Nice meeting you. What's that? हमने बोला कि बिग बॉस या फिर कोई भी रियलिटी शो करना चाहते हैं। So अभी बिग बॉस का चर्चा सब जगह है। जी जी। बहुत बज बना हुआ है। So आप कितना फॉलो करते हैं? बिग बॉस के लिए क्या कहना चाहता हूँ मैं? आप कितना फॉलो कर रहे हैं? टोटली फॉलो कर रहे हैं। रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। रोज देख रहे हैं हम। So सबसे ज्यादा कौन पसंद आ रहा है आपको? सबसे ज्यादा मुझे मेरी दोस्त माहिरा पसंद आ रही है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इनको दो तीन लोग पसंद आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मेरे ना दोस्त हैं। जिस तरीके से बिग बॉस के कंटेस्टेंट फ्लिप होते हैं, वैसे मेरी भी चॉइस फ्लिप हो जाती है उनके साथ साथ। तो अभी कुछ पता नहीं है कौन जीतेगा, क्या होगा। कुछ लोग कभी मुझे पसंद आते हैं, कुछ लोग मुझे वो इरिटेट भी करने लगते हैं, फिर वो लोग मुझे सही भी लगने लगते हैं, फिर वो मुझे गलत भी लगते हैं। तो कुछ पता नहीं क्या चल रहा है इस बार। बहुत टेढ़ा सीजन है। क्यूट, बबली। हाँ, वो ना एक्चुअली क्यूट है। तो अनप्रेडिक्टेबल है वो किस वक्त फ्लिप मार जाए, किसकी हो जाए पता नहीं। उसको बस सबकी वो चाहिए इम्पोर्टेंस, उसको सबकी अटेंशन चाहिए, कि सब उसको अटेंशन दे और सब उसको इम्पोर्टेंस दे, बस उसको यही चाहिए। दोस्ती वाला प्यार है, दोस्ती वाला प्यार। अगर आप या मैं किसी भी जगह, कोई नई जगह हम जाएंगे जहाँ पे हमारे ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 में से 9 लोग अगर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं और एक इंसान सपोर्ट करता है, तो आप या मैं उसी इंसान के दोस्त बन जाएंगे, उसी के लिए केयर करेंगे जो आपकी केयर करता है। सो माहिरा का वैसा ही है। जब जब बिग बॉस हाउस में वो गई, उसने एनालाइज किया, उसे समझ में आया कि मेजॉरिटी ऑफ द कंटेस्टेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग हर, बट एक इंसान है जो है पारस, उसको सपोर्ट करता है, उसका स्टैंड लेता है हर बार, केयर करता है। तो इट्स बट नेचुरल दैट वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे होगा। किसको केयर किसको पसंद नहीं है, हर किसी को पसंद है। सपोर्ट किसको पसंद नहीं है, दोस्ती किसको पसंद नहीं है। सो माहिरा को फील हुआ होगा दैट ही इज़ अ रियल फ्रेंड, क्योंकि हर बार स्टैंड लेता है। सो इट इज़ वेरी नेचुरल, दोस्ती वाला प्यार है। पारस को लेके मैं थोड़ी डाइसी हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटिव लगता है। और माहिरा तो ऑफ कोर्स आई नो हर थ्रू हिम, एंड जैसा कि इसने कहा कि
बहुत ज़्यादा जैसी वो है वैसी है, फेक नहीं है तो वो वही है, बट मुझे पारस लगता है मैनिपुलेटिव अभी वो क्योंकि बहुत ज़्यादा मायरा की तरफ झुक गया है, क्योंकि मायरा ने उसको अपनी लॉयल्टी बार बार दिखाई है। अगर हम स्टार्टिंग एपिसोड्स देखें तो पता नहीं किसी को याद हो गया नहीं, पारस ने शहनाज के साथ थोड़ी 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 बिचिंग की है मायरा की, तो अभी वो कम्प्लीटली मायरा के साइड पर क्योंकि मायरा ऑब्वियसली उसकी तरफ लॉयल है, बट मुझे पारस समझ नहीं आता है। वो बहुत लाउड है और लाउड माउथ है, वो इधर की उधर की इधर, बहुत मैनिपुलेटिव है। पीछे जो बोला सो बोला, हाँ, जब बात आती है स्टैंड लेने की अगेंस्ट अदर्स, हाँ वो लेता है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, जब बात आती है, बट मुझे वो मैनिपुलेटिव लगता है दूसरे लोगों के लिए भी। अगर हम पूरे घर की बात करें, बिग बॉस इज नॉट अबाउट टू पीपल ना, इट्स अबाउट द होल कंटेस्टेंट। पारस और मायरा की फ्रेंडशिप पसंद आती है या फिर सिद्धार्थ और शहनाज? सिद्धार्थ और शहनाज, दो मायरा इज अ गुड फ्रेंड, बट जहाँ बात है केमिस्ट्री की तो उनकी केमिस्ट्री बहुत क्यूट है, क्यूट है एंड स्ट्रांग है। अभी झगड़ा हुआ है लेकिन वापस वो लोग। पारस और सिद्धार्थ की दोस्ती के बारे में क्या बताना चाहेंगे, कब तक चलने वाली है? जब तक दोनों में से कोई दूसरे को पिंच ना करे तब तक। पहले जाने दुश्मन थे फिर दोस्त बन गए, पता नहीं। अगर कोई एक जना भी किसी अगेंस्ट गया तो वो दोनों वापस दुश्मन हो जाएंगे, थोड़ा भी अगेंस्ट गया तो वापस दुश्मन हो जाएंगे, बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। रश्मि देसाई का गेम कैसा लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा बिकॉज यू नो टेलीविजन में बहुत नाम कमाया एंड फिर रियलिटी शो में जाके अग्रेसिव होना एंड डिसग्रेसफुल लैंग्वेज यूज़ करना, चाय फेंकना, ये सब यू नो सूट नहीं करता। जब आप ऑलरेडी स्टार्डम मिल चुकी है इस लेवल की, मतलब उसके बाद सूट नहीं करता। हो सकता है कि मेरे लिए यहाँ बैठ के बोलना बहुत इजी है, बट एज अ व्यूअर मैं अपना परसेप्शन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि वहाँ माहौल ही कुछ ऐसा होगी अच्छे यू नो कंट्रोल नहीं कर पाते, हो सकता है। मैं वो भी बोल रहा हूँ, मैं दोनों तरफ का बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा परसेप्शन है। बट मेरे हिसाब से रश्मि, जैसी रश्मि को मैं जानती हूँ वो वैसी नहीं है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है ये सिर्फ वही जान सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि को ना खुद की गेम खुद खेलनी चाहिए। वो कभी अरहान कभी देवोलीना, मुझे रश्मि का एक सबसे बुरा डिसीजन ये लगा था कि जब डिलीवरी वाला टास्क हुआ तो उसने खुद का स्टैंड नहीं लिया था, उसको खुद का स्टैंड लेना चाहिए था। उसके बाद से री एंटर जब से वो हुई है उसको वो क्या कर रही है थोड़ा नहीं समझ आ रहा, क्योंकि जिस रश्मि को मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, अपने खुद के डिसीजंस रियल लाइफ में खुद लेने वाली लड़की है। सो मैं उस रश्मि को देखना चाहती हूँ बहुत जल्दी। ओके, टॉप थ्री में आप किसको देख रहे हैं? सिद्धार्थ, शहनाज, मायरा। सिद्धार्थ, शहनाज, रश्मि। आपके अभी पेट्स भी हैं, सो इनके बारे में बताइए कि ये आपके घर पे कब आ जा फ्लडी फ्लडू कम डिज्नी आ जा चीज कम इन कम इन हु वांट्स स्वीट आ जा आ जा कम इन। सो इसका नाम है फ्लडी, ही इज 5 इयर्स ओल्ड। अभी 30 दिसंबर को इसका बर्थडे गया। ये बहुत मैनरफुल है, बहुत डिसेंट है, बहुत लवेबल है। ये यू समझ लीजिए आधा इंसान ही है। एंड ये है डिज्नी, ये उसकी ऑपोजिट है। डिज्नी आ जाओ, ये हमारी बात ही नहीं मानती है। ये टेबल के नीचे सीधी हुई है। कम, वो बहुत शरारती है, बिल्कुल मैनरफुल नहीं है, बट जैसी भी है बहुत प्यारी है, बहुत शरारती है। देखो इसके इसके चेहरे पे शरारत दिखाई दे रही है। सो ये दोनों हमारे लिए ब्लेसिंग है, दे लाइक आवर फैमिली मेंबर्स। जहाँ भी हम जाते हैं हमारे साथ ही जाते हैं वो। खींची कर दे देखिए। हम अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को, अपने चाहने वालों को यही बोलना चाहते हैं कि ऑन स्क्रीन आपने पूनम को पूनम के शो में, मुझे अपने शो में बखूबी एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार दिया। इसी तरह प्यार देते रहिएगा। एंड ऑफ स्क्रीन मीडिया के थ्रू जब भी यू नो आपसे मुलाकात होती है तब भी आप हमें बहुत पसंद करते हैं, हमें क्यूट समझते हैं। सो थैंक यू, हम हैं जस्ट बिकॉज आप लोग हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं है। सो थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।
थैंक यू सो मच. थैंक यू.